नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। केबीसी सीजन 12 यानी कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप इस सीजन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन यहां पे करना पड़ता है। और यहां पे आप जान जाइए कि इस सीजन का रजिस्ट्रेशन इसी 9 मई से शुरू होने जा रहा है। हालांकि अभी देश में लॉकडाउन की स्थिति है, उसके बावजूद भी 9 मई से इस सीजन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। 9 मई से रात्रि 9 बजे सोनी इंटरटेनमेंट टीवी चैनल को आप देखिए और वहां पे 9 मई से लेकर लगातार 22 मई तक इसका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हर साल रजिस्ट्रेशन का एक अवधि होता है, तो इस बार भी 9 मई से लेकर 22 मई तक अवधि है और पर डे आपसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाएगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर साल इस शो को होस्ट करते हैं अमिताभ बच्चन। अगर एक या दो सीजन की हम बात यहाँ पे छोड़ दें जिस शो को शाहरुख खान के द्वारा होस्ट किया गया था, बाकी हर सीजन को अमिताभ बच्चन ही होस्ट करते आए हैं, तो ठीक उसी तरह इस सीजन को भी, यानी कि सीजन 12 को अमिताभ बच्चन ही होस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम या फिर समस्या ये है कि अभी लॉकडाउन की स्थिति है, तो जो सवाल अमिताभ बच्चन के द्वारा पूछा जाएगा वो घर से ही उसका वीडियो बनाएंगे और उसी के द्वारा स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 9 मई से जो है सोनी टीवी चैनल आपको देखना पड़ेगा, या फिर आप सोनी लिव ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर सोनी के वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट होगा आप सोनी इंटरटेनमेंट टीवी चैनल देखिए रात्रि 9 बजे 9 मई से, और 9 मई से लेकर 22 मई तक जो भी सवाल आपसे पूछा जाता है आप वहां पे पार्टिसिपेट कीजिए, वहां पे हर सवाल का जवाब दीजिए और देखिए आपका लक कितना साथ देता है। दूसरी बात, आप यहाँ पे अच्छी तरीके से जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो है प्रक्रिया क्या होता है। जो आप स्क्रीनिंग पे देखते हैं यानी कि केबीसी का सीजन जो आप देखते होंगे, वो ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो स्टार्ट हो जाता है। आपको हॉट सीट तक पहुँचने के लिए कई सारा पड़ाव जो है यहाँ पर पार करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद भी कई सारा पड़ाव है, यानी कि लगभग 4 या 5 स्टेप होता है, जिस स्टेप को बाद पार करने के बाद ही आप केबीसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में अगर आपका लक साथ दे भी देता है, हर सवाल का जवाब आप दे भी देते हैं, उसके बावजूद सेकेंड जो स्टेप होता है वहाँ पर भी आपको लक का साथ देना होता है। यानी कि आपका लक अगर आपको साथ देता है तभी आप सेकेंड स्टेप पार करते हैं। और सेकेंड स्टेप क्या होता है वो आप यहाँ पर समझ जाइए। भारत से जितने भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, आप समझ सकते हैं कि 9 मई से अगर 22 मई तक रजिस्ट्रेशन होता है सीजन 12 का, तो यहाँ पे करोड़ों लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। उस करोड़ों में सिर्फ और सिर्फ 9,990 लोगों को ही रैंडम के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। तो उसमें आप सबसे पहले आप समझ लीजिए कि करोड़ों में लक आपका काफ़ी साथ अगर देता है तो फिर 9,990 में आपका नाम वहाँ पे शामिल होता है। अगर आपका नाम उसमें शामिल हो जाता है तो कॉल सेंटर के द्वारा आपके पास फ़ोन आता है। फ़ोन सिर्फ इसलिए किया जाता है कि वो पूछताछ आपसे करता है कि जो जवाब आप दिए हैं या फिर केबीसी का अगर आप हिस्सा बने हैं तो डिसीजन आपका खुद का है और जो जवाब आप दिए हैं खुद दिए हैं, सिर्फ इसके लिए वहाँ से फ़ोन आपके पास आता है। लेकिन यहाँ पर भी दो ऑप्शन हो जाता है। दो ऑप्शन क्या होता है कि कॉल सेंटर के द्वारा सिर्फ दो ही बार आपके मोबाइल पर फ़ोन किया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसलिए मिलता है कि पहला बार हो सकता है कॉल जिस समय आएगा कॉल सेंटर के द्वारा उस समय आपका मोबाइल व्यस्त होगा, आउट ऑफ नेटवर्क होगा या फिर स्विच ऑफ होगा, कई सारा रीज़न हो सकता है, इसके कारण दोबारा मौका दिया जाता है, दोबारा कॉल सेंटर के द्वारा आपके मोबाइल पे फ़ोन किया जाता है। अब अगर किसी कारण से दोनों बार अगर आप इस फ़ोन को रिसीव नहीं कर पाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन यहीं पर कैंसिल हो जाता है। और अगर आप इस पड़ाव को पार कर लेते हैं यानी कि कॉल सेंटर के अधिकारी का फ़ोन आप रिसीव कर लेते हैं, तो जो सेकेंड पड़ाव है वो आप यहां से पार कर लेते हैं। उसके बाद होता है ऑनलाइन आपका ऑडिशन यहां पे होता है, यानी कि आपके स्किल से संबंधित यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन आपको ऑनलाइन देना पड़ता है, यानी कि वीडियो कॉलिंग के द्वारा आपको इस जवाब को देना पड़ता है, तो ये भी स्टेप आपको पार करना पड़ता है। इसके बाद फिर आपका वीडियो बनता है और वहाँ पे उसके बाद जो है आप जाते हैं ऑडिशन देने के लिए, और वहाँ पे ऑडिशन देते हैं, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करते हैं और फिर वहाँ पे सिलेक्शन आपका होता है या फिर नहीं होता है, ये सब सारी प्रोसेस के पार करने के बाद ही आप देखते होंगे फास्ट फिंगर का जो राउंड वहाँ पर शुरू होता है वो केबीसी के सीजन से स्टार्ट होता है, और फास्ट फिंगर फास्ट के बाद जो है हॉट सीट तक आप पहुँचते हैं। तो यहाँ कई सारा ऑप्शन है, यानी कि हॉट सीट तक पहुँचने के लिए आप अभी लाइव हमसे भी देख लिए कि लगभग 5 पड़ाव आपको पार करना ही पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं आपको स्टेमिना के साथ साथ जो भी आपका नॉलेज है उसके साथ साथ
आपका लक भी यहाँ पे साथ देना चाहिए। तो लक अगर आपका साथ है, अगर आप हर पड़ाव में पार कर दे जाते हैं, तो फिर पांचवे स्टेप पे आप जाके फास्ट फिंगर का फास्ट आप खेलते हैं और वहाँ से आप फर्स्ट सीट पे पहुँचते हैं और उसके बाद जो है आप KBC का गेम वहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से आपको 9 मई से रात्रि 9 बजे से जो है सोनी TV इंटरटेनमेंट TV चैनल से आपको जुड़ जाना पड़ेगा और जो भी सवाल वहाँ से पूछा जाएगा 9 मई से 22 मई तक हर सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो 9 मई से आप सोनी TV से जुड़ जाइए और उसके बाद आप यहाँ पे ये बात जान लीजिए कि लक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, चूँकि आप करोड़ों में सिर्फ 9,990 में एक हिस्सा आप बनने वाले हैं अगर आपका नाम यहाँ पर आता है। तो यहाँ से आपको 3 महीने का समय मिल जाता है, क्योंकि अभी स्थिति लॉकडाउन की है, तो लगभग ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस रजिस्ट्रेशन के बाद लगभग 3 महीने के बाद ही ये जो है सीज़न स्टार्ट होगा। तो इस 3 महीने में आप अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं और इसके साथ साथ KBC का जो पुराना एपिसोड है, जो ऑलरेडी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यानी कि SonyLIV ऐप पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और वहाँ पर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से गेम होता है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और वहाँ पे कैसे कैसे पड़ाव आपको पार करना होता है। काफ़ी वहाँ पे आपको तजुर्बा मिलेगा देखने में, आप वहाँ पे समझ पाएंगे कि KBC का गेम किस तरीके से खेला जाता है। तो आप वहाँ पे जाइए, अपनी तैयारी कीजिए, 3 महीने का समय आपको मिलेगा, काफ़ी टाइम है जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं और उसके बाद KBC के हॉट सीट पर बैठ के आप काफ़ी सारा रकम वहाँ पर जीत सकते हैं। और इसके साथ साथ इस सीज़न का जब रजिस्ट्रेशन का डेट ये अनाउंसमेंट किया गया था, जिसमें अमिताभ बच्चन के द्वारा ये कहा गया और ये सत्य बात है कि कहते हैं कि हर चीज़ पे ब्रेक लग सकता है लेकिन सपनों पे कभी ब्रेक नहीं लग सकता है, तो काफ़ी लोग जो है यहाँ पे टूट जाते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद, एक या दो बार करते हैं और वहाँ पे उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वहीं से उन पीछा छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप KBC देखते होंगे तो कई सारे ऐसे प्रतिभागी हैं, जिसमें अगर हम सुशील कुमार की बात करें जो बिहार के रहने वाले थे, जिन्होंने 5 करोड़ वहाँ पर जीता था, तो शुरू से लेकर वो उस समय तक के सीज़न तक वो लगातार उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन आखिर करके जाके वहाँ पे नाम उनका रजिस्ट्रेशन हुआ और जाके वो सक्सेस हुए और पार्टिसिपेट किए। तो आप भी चाहे कितना बार भी आप वहाँ पे हार चुके हैं, थक चुके हैं, आपका नाम नहीं आ रहा है, फिर भी आप वहाँ पे अपना हौसला मत हारिए, आप लगातार जो है वहाँ अपना जो काम है, जो आपका काम है, वो आप करते जाइए। चूँकि महाभारत में एक कहावत है जिसको आप अच्छे तरीके से सुने होंगे कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो आपका सिर्फ काम है काम करना, आप रजिस्ट्रेशन की तैयारी कीजिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर भी देते हैं 9 मई से लेकर 22 मई तक हर सवाल का जवाब आप देते हैं, उसके बावजूद आप यहां पे समझ जाइए कि आपको 3 महीने का टाइम मिल जाने वाला है, जो कि 3 महीना काफ़ी एक लंबा अवधि होता है, जिसमें आप अपनी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और KBC में जाकर आप काफ़ी सारा रकम वहां से जीत सकते हैं। तो इस तरीके से आप KBC सीजन 12 का रजिस्ट्रेशन करने के लिए 9 मई से रात्रि 9 बजे सोनी इंटरटेनमेंट TV चैनल से 22 मई तक आप जाकर जुड़ जाइए।